हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने मेसोमेरिकी फैक्ट को देखा था और मेसोमेरिकी फैक्ट में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोनायन को देखा था। साथ में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स को भी देख लिया था। आज का जो हमारा नया सब टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सब टॉपिक है वो क्या है हमारा? एसिडिक स्ट्रेंथ। और हम लोग जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। यदि हम लोग कोई एग्जांपल लें, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास दो एसिड दिए हुए हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर ओ एच, और इन दोनों में बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। यदि हमको इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहले इसके कंजुगेट बेस को बनाएंगे। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? आर ओ माइनस। अब देखो, यहां भी एक कार्बन आयन बना और यहां भी एक कार्बन आयन बना। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखें तो यहां हमारा जो है माइनस चार्ज वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और यहां क्या है? नो रेजोनेंस। यदि यहां रेजोनेंस नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज मोर एसिडिक देन दिस बिकॉज दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन दिस। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कंजुगेट बेस होगा, हमारा जो है रिएक्शन, हमारा जो एसिड है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, OH है और ROH है इन दोनों में। अब देखो, हमको इन दोनों में यदि कंपेयर करना है तो इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे। देखो, कंजुगेट बेस नहीं बनाना है, तुम सीधे इसको माइनस चार्ज यहां ऐसे मानो और यहां भी H तरह के माइनस चार्ज। अब इसका माइनस चार्ज इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है और यहां रेजो नहीं है, यहां रेजोनेंस नहीं है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो ऐसे ही हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल लें, OH NO2 और यहां है OH और OCH3। अब देखो इस क्वेश्चन को देखें यदि, तो ये जो है NO2 ये माइनस एम इफेक्ट दे रहा है और ये जो है ये प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यहां माइनस चार्ज H को हटा के बनाऊंगा। जब मैं ये माइनस चार्ज बना लूंगा तो हमको क्या पता चल जाएगा? ये कार्बन आयन है और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में जानते हैं माइनस आई माइनस एम इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाता है, प्लस आई और प्लस एम स्टेबिलिटी को घटाता है। तो इन दोनों में से कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला होगा ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, तो हमारा ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप इसको कर दीजिए कॉपी, फिर हम लोग आगे करते हैं बात। अब देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर वन को देखें तो सब में सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आपको कंजुगेट बेस बनाना है। क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ द कंजुगेट बेस देन यू विल फाइंड द आंसर। देखो यहां इस एच को हटाएंगे यहां माइनस चार्ज आएगा, यहां इस एच को हटाएंगे यहां माइनस चार्ज आएगा, इस एच को हटाएंगे माइनस चार्ज आएगा। देखो यहां ये माइनस चार्ज दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
यहाँ एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और यहाँ 1, 2, 3 डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडियो हो रहा है। उसके बाद ए होगा और सबसे कम बी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा हमको मैथमेटिक इफेक्ट याद करना पड़ेगा। देखो ये NO2 माइनस एन इफेक्ट देगा, ये भी NO2 माइनस एन इफेक्ट देगा और ये भी NO2 माइनस एन इफेक्ट देगा, ठीक है। यहां माइनस चार्ज जनरेट करेंगे कंजुगेट बेस बनाने के लिए। अब देखो यहां 3 माइनस एन दे रहे हैं, यहां देखें ये माइनस एन इफेक्ट दे रहा है और ये भी माइनस एन इफेक्ट दे रहा है, और यहां माइनस चार्ज जनरेट कर लेते हैं कंजुगेट बेस बना के। लेकिन ये NO2 जो है ये मेटा पे है, क्या है? मेटा पे, और मेटा पे मैथमेटिक इफेक्ट नहीं लगता है, इसलिए हम लोग यदि मेटा पोजीशन को देखें तो इस पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो देखो ए बी और सी में यदि कंपेयर करना हो तो सबसे ज्यादा माइनस एम, 3 माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं, यहां 2 माइनस एम और यहां 1 माइनस आई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, फिर बी होगा, उसके बाद सी होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो माइनस चार्ज सबसे पहले जनरेट करा लो भैया, कंजुगेट बेस बना लो, ऐसे करके बना ली कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस जब बना लिए तो हमको देखते हैं ये NO2 माइनस एम इफेक्ट दे रहा है, ये CHO भी माइनस एम इफेक्ट दे रहा है, ये प्लस आई दे रहा है और ये प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। अब देखो हमारे पास चार है, ये माइनस एम और ये माइनस एम, पहले तो इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और ये जो हमारा कंजुगेट बेस है वो कार्बन आयन है। तो हम लोग यदि माइनस एम इन दोनों में देखें तो NO2 का माइनस एम ज्यादा होता है और CHO का माइनस एम कम होता है। जिस बच्चे को अभी भी माइनस एम प्लस एम के ग्रुप्स में दिक्कत है, प्लस आई और माइनस आई के ग्रुप्स में दिक्कत है, वो पीछे वाले वीडियो में जाइए और उन ग्रुप्स को कृपया करके याद कर लें, नहीं तो आपको इनमें हमेशा प्रॉब्लम होगा। देखो अब यहां देखें ये माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये प्लस आई और ये प्लस एम, प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। अब देखो यदि इन दोनों के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट फीवल इफेक्ट होता है और मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत मजबूत इफेक्ट होता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा और ये कम इफेक्टिव होगा, मतलब ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा और ये कम डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, मतलब इसका ट्रेंड क्या होगा? पहले ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, ए बी सी और डी। नहीं दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं ए बी सी डी। अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये माइनस आई, यहां कोई भी इफेक्ट नहीं। अब देखो यहां भी माइनस एम है और यहां भी माइनस एम है, अब यहां बच्चा को दिक्कत हो जाएगा, कहे कि तुम तो जानते हो कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस पे डिस्टेंस बढ़े या घटे इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट। अब देखो यहां कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, यहां तो माइनस एम लग रहा है लेकिन यहां हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, तो ये हाइड्रोजन उतने आसानी से निकलना नहीं चाहेगा, कंजुगेट बेस नहीं बनाना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा ये होगा फिर ये होगा, ये तो माइनस आई है भैया, मेटा पोजीशन पे कभी भी मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, और ये तो सबसे गरीब है तो इसको सबसे अंतिम में रख दिए। तो ए बी सी और डी यदि हमारा ऑप्शन होता तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होता और सबसे कम एसिडिक डी होता। देखो हमेशा कंजुगेट बेस बनाना है, हमेशा क्या करना है, कंजुगेट बेस बना के ही स्टेबिलिटी ऑफ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फ्री रेडिकल को डिस्कस करना है। तो आप इसको कीजिए कॉपी,
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ एक माइनस चार्ज आया और यहाँ एक ये माइनस चार्ज आया। अब देखो यहाँ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और यहाँ पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तुम तो बोलोगे भैया कि जहां ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका हम लोग तुरंत एक्सप्लेनेशन देते हैं, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए हम लोग के पास जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, CH3COOH और एक था OH। अब देखिए इन दोनों का यदि कंजुगेट बेस बनाएं, क्या है कि हम इन दोनों का कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो पहले का कंजुगेट बेस बनेगा CH3C OH- और यदि यहां बनाए ओ माइनस चार्ज, तो देखो यदि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे दो और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे पांच। अब तुम बोलोगे कि सर यहां ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहां कम रेजोनेंस हो रहा है, यदि इसीलिए ये कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और ये कंजुगेट बेस कम स्टेबल। तो देखो दो बातें होती है, एक होता है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है RC OH-, यदि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो ये माइनस चार 1, 2, 3, तो ये माइनस चार इस ऑक्सीजन पे जाएगा RO-OH। तो देखो जो चार्ज है वो कहां जा रहा है, सेम एटम पे मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जिसमें हमारा जो चार्ज है वो सेम एटम पे डीलोकलाइज्ड हो। और एक होता है अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम क्या बोले एक कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और एक अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ये है हमारे पास O-, यदि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएं तो 1, 2, 3 कर लेते हैं, 1, 2, 3 ये डबल बॉन्ड हो और माइनस चार्ज यहां और ये ऐसे। तो देखो पहले माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे था, अब ये माइनस चार्ज कार्बन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या होता है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इज मोर स्टेबल देन अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। क्या बोलते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। यदि ऐसा बात है तो ये हमारा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये क्या हमारा अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में यदि हम लोग बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ सब टॉपिक है उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट।
मतलब यदि कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो जिसका ज्यादा, जिसमें ज्यादा प्लस आई या प्लस एम लगेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और जिसमें ज्यादा माइनस आई और माइनस एम लगेगा वो कम बेसिक होगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, NH2 लोन पेयर है और यहां NO2 लगा हुआ है और यहां NH2 के साथ यहां हमारा OH लगा हुआ है। अब इसमें तुमको क्या करना है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो देखो यदि हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो ये माइनस एम इफेक्ट दे रहा है और ये प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। हम लोग जानते हैं प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, तो हमारा ये ज्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। इसको कर लीजिए कॉपी सब चीज को। अब हम लोग इन क्वेश्चन को देखें, तो इन क्वेश्चन में हम लोग एक मिनट, अब देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। यदि हम लोग फर्स्ट ग्रुप को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो ये माइनस एम लगा रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। हम लोग जानते हैं प्लस वाले इंक्रीज करता है, माइनस वाले डिक्रीज करते हैं, तो ये हमारा हुआ। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में देखें, यहां ये लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये लोन पेयर रेजो नहीं है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां नो रेजो है, यहां रेजो है और यहां भी रेजो है, लेकिन यहां लोन पेयर जो है ये यहां इसके साथ रेजो कर रहा है, तो ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजो कर रहा है। मतलब यहां 50% ही रेजोनेंस है, यहां लोन पेयर का 100% रेजोनेंस है। क्या है, यहां लोन पेयर का 100% रेजोनेंस है और यहां लोन पेयर का 50% रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा। यदि हम लोग इस क्वेश्चन को बारे में बात करें, तो ये प्लस एम और ये भी प्लस एम दे रहा है, ये प्लस आई और ये भी प्लस आई दे रहा है, तो ये हमारा ज्यादा बेसिक होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेजोमेरिक इफेक्ट के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को खत्म किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे कि कोई मॉलिक्यूल कब एरोमेटिक, कब मॉलिक्यूल कब नॉन एरोमेटिक और कब एंटी एरोमेटिक होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अभी तक सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर सेकंड को देखें, फिर थर्ड को देखें, नहीं तो उन्हें समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी। और यदि आपका GOC उड़ गया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत बुरा हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि मॉलिक्यूल कब एरोमेटिक, कब नॉन एरोमेटिक और कब एंटी एरोमेटिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो जो घंटा है उसको भी हिला देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।